Good morning, Vichu. How are you all? So today what we are going to do, we will be doing numerical of dimension analysis, nothing else. ताकि आपके numerical concept clear हों, जितना ज़्यादा numericals करेंगे उतना theory के भी concept आपके clear होंगे. अच्छा, तो पहले एक type के numerical आपके बचे हुए हैं, एक type के क्या वो उसी से correlate करते हैं, सारे numerical एक साथ लेके चलते हैं. जैसे हमने कहा था, mass, length, time हम fundamental quantities लेते हैं. If फोर्स F, कॉमा इसके बाद लिख दो फ्रीक्वेंसी मत लिखो, इसके बाद लिखो वेलोसिटी V एंड टाइम T आर फंडामेंटल क्वांटिटीज. पहले ध्यान से सुन लेना, फिर रिएक्ट करना. Quantities in place of mass M, length L and time T. Then find formula या dimensional formula of work done. W का आप फॉर्मूला निकालिए. तो व्हाट इज द सॉल्यूशन? W वर्क डन. अब देखो, अब इसको करना कैसे है, इसको आप सीधे इक्वल टू लिख दो. नो प्रोपोर्शनलिटी साइन. किस पे डिपेंड कर रहा है? वेलोसिटी पे. अच्छा, पहले फोर्स था, फोर्स, वेलोसिटी और टाइम पे, है ना? इसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दो. इसका आंसर लास्ट में लाना है. हालांकि आपको पावर लिख दो एबीसी. क्यों करा हमने ऐसा? क्योंकि जब हम फंडामेंटल क्वांटिटीज एमएलटी के फॉर्म में लिखते हैं तब भी तो ऐसे ही लिखते हैं. अच्छा, वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्म इसे इक्वेशन वन बना दो. अंतर क्या है जो हम डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के से मैं कर रहे थे? यहाँ एक कॉन्स्टेंट था और ये ब्रैकेट नहीं था. ब्रैकेट क्यों लगाया? क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं. तो डब्ल्यू इज इक्वल टू वट? पहले इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो. एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू फोर्स एफ. कितना होता है? एम एल टी माइनस 2 टू द पावर ए, एल टी माइनस 1 टू द पावर बी और टी टू द पावर सी. फिर वही 1 है मल्टीप्लाई करो. एम टू द पावर ए, एल टू द पावर ए, टी टू द पावर माइनस 2b, एल टू द पावर बी, टी टू द पावर माइनस बी, टी टू द पावर सी. मल्टीप्लाई हुआ और ये आया एम एल स्क्वायर टी माइनस 2. इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. अब यहाँ पे सबसे पहले m के कंपोनेंट या m के टर्म्स, m टू द पावर a, कोई m नहीं है, l टू द पावर देखो a प्लस बी और t टू द पावर देखो माइनस 2b माइनस बी प्लस सी. अब ये आ रहा है m l इतना. कंपेयर कर लेते हैं. राइटिंग मत देखना, कंफ्यूज हो जाओगे. इतना ही देखो जितना देखना है. कंपेयर सुनाई दे रहा है, कंपेयर. अच्छा, साफ साफ लिख लेता हूँ. चलो कंपेयर, तो कंपेयर करो डायमेंशंस को. एल एच एस आर एच एस, ए की वैल्यू 1 तो सीधे आ गई. दूसरे में क्या आ रहा है? ए प्लस बी इज इक्वल टू 2. ए तो 1 था, 1 प्लस बी इज इक्वल टू 2, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया? 1. दोनों बड़े सीधे शरीफ हैं, दोनों 1 1 आए. अब देखो लास्ट में कंपेयर करो, तो माइनस 2b माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2. तो माइनस ऑफ 2b. अच्छा, यहाँ पे जरा सा गड़बड़ हुआ है. देखो ध्यान से देखो, ये माइनस 2 था तो माइनस 2a होना था, क्योंकि b एक ही बार आ सकता है. तो आपको खुद पता चल जाएगा यहाँ पे अगर कोई भी टर्म दो बार आ रहा है इक्वेशन में, यानी कि वो गलत है. अब a भी 1 है, b भी 1 है, तो माइनस 2, 2 इंटू 1 2, यहाँ पे 1 प्लस c इज इक्वल टू कितना? माइनस, माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस c इज इक्वल टू माइनस 2. ये उधर चले जाएगा तो c इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो तो एक बार सॉल्व करके जरूर देखें. तीनों की वैल्यू आ रही है 1 1 1. अब w कितना आ गया? w इज इक्वल टू f 1 v 1 t 1. इवन हम इनकी डायमेंशन ना भी लिखें तो चल जाएगा, ठीक है. अब चाहे आपका डेरिवेशन वाला जो फॉर्मूला था जब आपने डिराइव करा, ये वाला था, आप इसमें क्रॉस चेक जरूर कर सकते हो कि आपके फॉर्मूले सही आ रहे हैं गलत आ रहे हैं.
एट द एंड आप वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला देखो, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, अगर आपका सही है तो। यहाँ पे अगर मैंने कोई गलती करी होगी तो यहाँ पे पकड़ में आ जाएगी आराम से। अब फोर्स का देखो, यहाँ पे आर एच एस में एम एल टी माइनस टू, वेलोसिटी एल टी माइनस वन, और ये कितना है टाइम, पावर वन वन, ये कैंसिल हो गया, एल की पावर वन, एल टू द पावर वन स्क्वायर, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, तो आ गया डायमेंशनल फार्मूला वर्क का। तो ये और ये सेम है, इसका मतलब आपका सही है। जहाँ पे हमने डेरिवेशन करा था उसके एंड पे भी आप क्रॉस चेक करके जरूर देखो कि आपका आंसर जो है वो सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो आपका डायमेंशनल फार्मूला इतना आ गया, ये तो आपने क्रॉस चेक कर लिया रफ में कि आपका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है, सो दैट यू डू नॉट लूज एनी मार्क्स। क्लियर? चलिए करिए, फटाफट कर लीजिए, फिर अगला रिमार्क करते हैं। चलिए ये क्वेश्चन करिए, इफ पी इज इक्वल टू एल्फा अपॉन बीटा ई टू द पावर माइनस एल्फा जेड के थीटा अपॉन के थीटा, यानी कि ये पूरा का पूरा ई टू द पावर में है, तो आपको बताना है कि बीटा के डायमेंशन इन चार में से कौन सा ऑप्शन होगा। अच्छा, इसमें देखो ये जो के दिया हुआ है ये होता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, आपका एनसीईआरटी पे देख सकते हैं। ये आपका प्रेशर है, ये आपका जेड है, ये आपका थीटा है, क्लियर? अब आप क्या करेंगे, बस इनकी वैल्यू रखेंगे। एक कंसेप्ट पता होना चाहिए, ई टू द पावर जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस, क्योंकि ई कांस्टेंट होता है तो इसकी जो पावर होगी वो डायमेंशन लेस होगी। अगर आपको ये पता है तो आप कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, जो ऊपर है ई टू द पावर माइनस की तो कोई वैल्यू नहीं, एल्फा जेड अपॉन के थीटा, इस पूरे की जो डायमेंशन निकल के आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक हो गया? अब देखो अल्फा जेड, जेड की डायमेंशन एल, के की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, के टेम्परेचर के लिए होता है के टू द पावर माइनस वन, और थीटा टेम्परेचर ही है तो थीटा कितना हो जाएगा के, k टू द पावर वन, k टू द पावर माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से आप जरा निकाल के बताओ अल्फा की डायमेंशन क्या आ रही है, तो अल्फा की डायमेंशन क्या हो जाएगा, ये तो सब वन हो गया, तो ये बाकी बचे हुए को ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो कितना हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और ये l अपॉन में चले जाएगा, ऊपर जाएगा तो पावर किस में आ जाएगी, माइनस में, प्लस वन, ऊपर जाके पावर माइनस वन, तो अल्फा की जो डायमेंशन आ गई वो आ गई एम एल टी माइनस टू, यही आगे चेक करो कहीं पे गलती तो नहीं करी। अल्फा जेड अपॉन के थीटा इक्वल टू दिस मच, अल्फा जेड की जगह एल लिया, इसका एम एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन कैंसिल आउट, ये डायमेंशन लेस होता है, इधर ले गए एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन एल, एल वन होगा नीचे, ये नीचे आएगा इधर, ऊपर जाके माइनस वन होगा। होप सो सही है, अल्फा की डायमेंशन आपके आ गई। अब देखो हमने कहा था ये डायमेंशन लेस है, उससे तो आपने क्या निकाल लिया, अल्फा की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, अब ये करेंगे, हमने देखा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इक्वल टू साइन भी आए तो एल एच एस और आर एच एस की जो डायमेंशन होती है वो क्या रहती है, सेम रहती है, यानी कि डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ बीटा, तो डायमेंशन ऑफ बीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एल्फा अपॉन डायमेंशन ऑफ पी, तो डायमेंशन ऑफ एल्फा कितना है एम एल टी माइनस टू, डायमेंशन ऑफ प्रेशर कितना होता है एम एल माइनस वन टी माइनस टू। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में देखो एम वन वन माइनस टू माइनस टू, तो ये ऊपर ले जाओगे तो जिनको दिक्कत आती है ऐसे ले जाने में उनके लिए मैं कर दे रहा हूँ एक बार लास्ट टाइम, एम एल टी माइनस टू, और ये कितना हो जाएगा ऊपर आके एम माइनस वन, एल टू द पावर माइनस वन है तो क्या हो जाएगी प्लस वन, और ये टी टू द पावर प्लस ऑफ टू, बेस सेम जिनके हैं उनकी पावर ऐड करो, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस वन टू, माइनस टू प्लस टू जीरो, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर, कितनी आई डायमेंशन एल स्क्वायर, तो एम और टी तो जीरो है, तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एम जीरो एल स्क्वायर टी जीरो, ऑप्शन ये आ रहा होगा देखो जरा वहां पे बोर्ड पे, बिल्कुल यही आ रहा है। ये क्वेश्चन आया था जेई 2004, ठीक है, उस समय जेई के नाम से नहीं जाना जाता था, दूसरे नाम से जाना जाता था एग्जाम सीबीएसई के नाम से, लेकिन उसका आंसर यही आ रहा है, तो सॉल्व करिए इसे, पॉज करिए,
देखिए कैसे होता है, कर लिया। अच्छा बेटा, अब मैं इसमें आपको ज़्यादा क्वेश्चन फिलहाल नहीं कराने वाला हूँ, तो क्या होगा, तो आप क्वेश्चन करेंगे अब इसके साथ। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने कहा था मैं न्यूमेरिकल दूंगा, वो अब है, तो जरा सा एकेडमिक जरा सा कॉम्पिटिटिव का आइडिया आ गया। नाउ आई विल बी गिविंग यू नियर अबाउट 10-15 न्यूमेरिकल्स, वो आप करिए, जहाँ पे डाउट आए जरूर पूछिए, लेकिन उनको सॉल्व करना है आपको फेयर कॉपी में। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? चलिए ठीक है। सो वी मीट बैक अगेन ऑन आर नेक्स्ट लेक्चर, विल बी नेक्स्ट वीक। इनको अच्छे से करिए। अच्छा, ये टास्क आपको कम लग रहे हैं? नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये दो न्यूमेरिकल जो हमने करे, इसके साथ साथ वो न्यूमेरिकल भी तो हैं जो आपको करने है ना। ठीक है, वो वी मीट बैक अगेन। ओके, बाय बाय।